नमस्कार दोस्तों, इंदौरी फूडी के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं इंदौरी फूडी पर, वो बहुत कॉमन डिश है। वैसे तो आप लोगों ने कई जगह खाई होगी और घर पे भी बनाते होंगे। मेरे हाथ में बैंगन है और हाथ में दूसरे हाथ में चाकू है। तो आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो है बैंगन का भरता। या दोस्तों, बैंगन का भरता बड़ी कॉमन और बड़ी शानदार टेस्टी डिश होती है। इसको बनाने की कई तरीके के अलग 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 विधियाँ होती है, बट आज जो इंदौरी फूडी में बना रहे हैं हम, वो बड़ा देसी स्टाइल है, थोड़ा सा ढाबा स्टाइल है और आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। उसके लिए जो बैंगन है, इस बैंगन को हम थोड़ा सा यहाँ पर अंदर काट देते हैं और इसके अंदर स्टफिंग करना है। ये जो स्टफिंग होगी इसके अंदर, वो होगी लहसुन की और हरी मिर्च। ये स्टफिंग करके हमको इसको वापस से पैक कर देना। इसका कारण ये है कि जब हम ये करेंगे और इसको जब वापस से पैक करेंगे और जब हम इसे सेकेंगे गैस के ऊपर, तब इसके अंदर जो एरोमा आएगा लहसुन का, हरी मिर्च का, वो बहुत जोरदार आएगा। हमको इसको पूरे बैंगन में 8-10 जगह पर आप ऐसा स्टफिंग कर सकते हैं। इसको हम गैस पर रखेंगे और गैस पर रखकर इसको भुनेंगे जब तक इसके अंदर पूरी तरह से ये पक नहीं जाता। तो ये बैंगन अपने आप में पूरी तरह से पक गया है, तो हम गैस बंद करेंगे और इसको तो दिख रहा है ना आपको, ये तेल है जो बैंगन में से निकला है। जैसे मैंने आपको बोला था, बैंगन में बहुत ज़्यादा अपने आप में तेल भरपूर होता है और इसके जो छिलके है, जो इसका छिलका है, ये हम निकाल देंगे। तो अब ये बैंगन जो हमने इसके छिलके निकाले थे, वो हमने यहाँ रख दिया और इसके अंदर जितने भी हमने स्टफिंग की थी, उसका बहुत से मिक्स हो गया है अंदर। तो हमने इसमें डाला है सबसे पहले तेल और तेल के साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, स्वाद के साथ। कोई लोग हींग ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाता है, इसमें हींग बहुत अच्छा होता है। इसमें जाएगी थोड़ी सी राई, थोड़ा सा डालेंगे इसमें लहसुन वापस से और इसको हम प्याज को फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, थोड़ा सा लाल नहीं हो जाता। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा प्याज, अब देखेंगे कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ बारीक टमाटर। और इसके साथ में हमको थोड़ा सा नमक भी डाल देना है, क्योंकि जिससे ये टमाटर और जल्दी पक जाता है। तो हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बैंगन भरता है वो स्पाइसी, थोड़ा सा तीखा ही मज़ा आता है खाने में। तो आप जब इसको बनाएं अपने घर में भी, तो थोड़ा ये ध्यान रखें कि वो स्पाइसी हो। थोड़ी सी हल्दी डालें, कलर के लिए हमको कश्मीरी लाल मिर्च भी डालना है, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छे तरीके से, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती पर इसका कलर बड़ा अच्छा। हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे जब तक ये मसाला तेल न छोड़े। जब हमारा मसाला पक गया है, तो हम हमारा जो बैंगन रखा था इधर, वो भरता क्या हुआ, बारीक क्या हुआ, बैंगन को हम इसके साथ मिक्स कर देंगे।
तो दोस्तों हमारा बैंगन भरता ऑलमोस्ट तैयार है और आप भी तैयारी होंगे, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये रेसिपी बैंगन भरता जो थोड़ा डिफरेंट स्पेशल स्टाइल में बना है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर indorifoodie.com पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, और हमारे रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऑर्डर करते रहिएगा indorifoodie.com पर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, एक नए डिश के साथ।